नमस्कार प्यारे साथियों, भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर पंचोली सर की क्लास में मैं गोविंद एक बार फिर से हाजिर हूँ। साथियों सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और ये भी कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा चैट में कि आपके घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा वगैरह सब बढ़िया होंगे। चलिए आज चर्चा की शुरुआत करते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं, हम आरएएस के लिए पढ़ रहे हैं, आरएएस के लिए। तो आरएएस के लिए साथियों अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो काफ़ी डेप्थ में ही जाएंगे, काफ़ी गहराई में ही अध्ययन करेंगे ना, तो इसमें वक्त तो लगेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि हम एक ही बार में हिस्ट्री पूरा अच्छे से क्लियर करें, बार बार आपको कोचिंग करने की आवश्यकता ना पड़े। देखो वो कहते हैं ना, सस्ता रोता है एक बार और महंगा रोता है एक बार और सस्ता रोता है बार बार। तो अगर आप शॉर्टकट में पढ़ोगे या शॉर्टकट काटोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान आप ही का है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा एक ही बार में क्लियर कर दो। तो मुझे 60 से 65 घंटे लगेंगे लगभग राजस्थान के इतिहास को कवर करवाने के लिए। निश्चिंत रहिए, मैं पूरा कवर करवाऊंगा। और आज के सेशन के बाद में मैं आपको नोट्स भी बनवाऊंगा, क्योंकि जहां तक मुझे इस बात का अनुभव है, बिना मैं किसी के कहे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता, तो मैनेजमेंट ने मुझे कहा है कि आप नोट्स भी बनवा सकते हैं। तो आज से मैं नोट्स बनवाना भी स्टार्ट करूंगा, नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा ताकि मैं आपको लिखवा भी पाऊँ साथ साथ में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसी डिस्कशन को मैं फिर से आगे बढ़ाना चाहूँगा। हमने जो पढ़ा था उसमें हम मेवाड़ के सिसोदिया शाखा की बात कर रहे थे, और इस मेवाड़ की सिसोदिया ब्रांच के अंदर सिसोदिया शाखा में हमने महाराणा कुंभा को देखा था। महाराणा कुंभा के बड़े पुत्र उदा या उदय करण, जिन्हें उदा भी कहा जाता है या उदय सिंह भी कहा जाता है, उदय सिंह प्रथम, इन्होंने अपने पिता कुंभा की हत्या कर ली थी 1468 में, 1468 ईस्वी में, और खुद मेवाड़ के महाराणा बन चुके थे। उनसे छोटे जो पुत्र थे उनका नाम था रायमल, जिनको जनता ने चित्तौड़ में महाराणा चुना था। यानी हम कह सकते हैं कि कुंभा के पश्चात मेवाड़ में दो दो महाराणा थे, एक उदयकरण कुंभलगढ़ में स्वघोषित महाराणा, और एक रायमल जो है जनता की पसंद का महाराणा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, रायमल की चर्चा हमें इस सेशन से शुरू करनी है। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, आप लोगों की चैट और कमेंट्स में पढ़ता हूं, लाइव ना पढ़ पाऊं लेकिन घर पे जाने के बाद में उसके एनालिसिस करता हूं। आप निश्चिंत रहिए, आपको जो सवाल पूछना है, जो चीज आपको डिस्कस करनी है, आप चैट में लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मैं सबका जवाब दूंगा आपको। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे नजर आई कि आपको नोट्स लिखवाने हैं, तो नोट्स मैं लिखवाऊंगा आज से। दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर काफी स्लो चल रहा है, तो बताना चाहूंगा 65 आवर्स यानी कि लगभग 60 से 65 घंटे के आसपास राजस्थान का इतिहास चलेगा, और मैं चाहता हूं कि इसको बहुत अच्छे से गहराई में एक ही बार में सब कुछ हम कंप्लीट करें, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग शॉर्टकट में 30 घंटे 35 घंटे में निपटा देते हैं ना कोर्स, मैं आपको सच ये मान के चलिए वो खुद भी निपट जाते हैं एग्जाम में। तो आपको एग्जाम पास करना है या खुद निपटना है यह आपको चुनना है। ठीक है, इसलिए वक्त तो लगेगा, वक्त आपको देना पड़ेगा। जब हम आपके साथ में लाइव फ्री आकर वक्त दे रहे हैं तो आपको भी वक्त देना चाहिए। एक साथ में मुझे बात एक और भी नजर आई, वो ये है कि आप में से अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि सर जो है वह कहानी से इतर कुछ बात कर लेते हैं। तो भैया कहानी से इतर मैं बात कौन सी करता हूं, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो भारत का हिस्सा है, तो भारत की चर्चा किए बिना तो मैं राजस्थान की चर्चा नहीं कर सकता ना। अब आप सोच रहे हो कि मैं रायमल के पुत्र महाराणा सांगा की बात करूं तो मैं बाबर की बात ही ना करूं, तो आखिर मैं राणा सांगा को बाबर से भिड़वाऊंगा तो बाबर की तो बात करनी पड़ेगी ना मेरे भैया।
तो ऐसा चलेगा और चलाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। चलिए तो रायमल के बारे में आपको दो तीन पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि ये सर्वाधिक संतति वाले महाराणा थे, इनके सबसे अधिक बच्चे थे, सर्वाधिक संतति अर्थात सर्वाधिक संतानों वाले महाराणा थे। एक पॉइंट आपको ये लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है कि इनके समय में सबसे ज्यादा नहरों का विकास हुआ, और नहरों का विकास मेवाड़ में अगर सबसे ज्यादा रायमल सिंह जी के समय हुआ है तो मतलब सीधा सीधा सिंचाई का विकास हुआ है। तो अगर सिंचाई के दृष्टिकोण से या कृषि के दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक विकास किस महाराणा के शासनकाल में हुआ है, तो आपका सीधा सीधा उस कंडीशन के अंदर आंसर होना चाहिए, वो है महाराणा रायमल। इसके अलावा रायमल सिंह जी के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये दो पॉइंट इनफ है, लॉट्स इनफ है, काफ़ी हैं, ठीक है। महाराणा रायमल सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था पृथ्वीराज, जिन्हें इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ना राजकुमार, कुंवर पृथ्वीराज इनके बड़े पुत्र थे, उनसे छोटे थे जयमल। कहीं कहीं पे नाम इनका जगमाल भी मिल सकता है आपको। तो सबसे बड़े पुत्र थे पृथ्वीराज। तो साथियों पृथ्वीराज, देखिए एक बात और मुझे लगे हाथों याद आई जो आप कमेंट में लिख भी रहे थे कि देखिए साथियों, अपने आप में कोई परफेक्ट नहीं होता, सब कुछ कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो इंसान को हज़ार अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। आज आप मेरा चेहरा देख रहे हो, मुझे काफ़ी मतलब यूँ समझ लो दुख है इस बात का। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उसको और बेहतर किया जाए। अब इससे और बेहतर अगर आपको कहीं नज़र आ जाता है तो आप उसे चुन सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है इससे बेहतर आपको शायद ही मिलेगा, ठीक है। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि और बेहतर होना चाहिए, तो और बेहतर तो भगवान कर सकता है, और भगवान भी अगर मनुष्य योनि में आ जाए तो उससे भी गलतियां होती हैं। तो एक आध गलती तो या एक आध चीज़ें कमी तो हर कहीं पे चल जाती हैं, हज़ार अच्छाइयों को देखना चाहिए। अगर आपको मेरे में ज़्यादा अच्छाई नज़र आती है तो यू आर वेलकम, और हज़ार बुराइयाँ नज़र आती है तो फिर आपका चॉइस है, ठीक है। तो साथियों ऐसा है कि पृथ्वीराज सिसोदिया जो हैं, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है, सबसे बड़े पुत्र थे। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये दो कारणों से, एक तो इनकी बड़ी तीव्र रफ्तार थी, इनकी युद्ध शैली बड़ी तगड़ी थी, और एक दूसरा बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, बड़ी बड़ी फेंकते थे। बड़ी बड़ी फेंकना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, कहते थे कोई राजपूत हो तो पहले से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इनकी आदत थी, ये कहते थे मैं धरती का हूँ ही नहीं, मैं तो चंद्रमा से आया हूँ, मतलब लपेटने वाला चाहिए। और रफ्तार ही इनकी पहचान थी, बड़ी तीव्र गति से इनकी शैली थी। कहते हैं कि एक वक्त में इन्होंने सुबह सुबह बूंदी पर हमला किया, उसी शाम को इन्होंने जालौर भी लूट लिया। तो आप सोचिए इनकी रफ्तार कितनी तेज थी, रफ्तार ही इनकी पहचान थी, इसलिए इन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है। जयमल सिंह इनके छोटे भाई थे, अगर इनमें 19 गुण थे तो इनमें 20 थे। दोनों ही बहुत ही बदमाश इंसान थे, बहुत ही गजब के। पता है ये दोनों कितने बदमाश थे? एक समय की बात है जब पृथ्वीराज कहते थे, हमेशा तलवार निकाल निकाल के अपने छोटे भाइयों को डराया करते थे, कहते थे मेरा नाम पृथ्वीराज है, मेवाड़ क्या चीज है, पृथ्वी पर राज करूंगा। यानी आप सोचिए कि रायमल सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र कौन है, पृथ्वीराज, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं मेवाड़ क्या चीज है, मैं पृथ्वी पर राज करूंगा, पृथ्वी पर राज करूंगा। तो इसका मतलब साफ है कि ये वो व्यक्ति है जिनको खुद को यकीन नहीं है कि वे महाराणा बन पाएंगे, उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, और जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसी चक्कर में ये अपने छोटे भाइयों को बहुत परेशान करते थे। ये सब भाई मिलकर एक
ज्योतिषी के पास में पहुंचे। इनका कुल पुरोहित था महान ज्योतिषी, मेवाड़ का महान ज्योतिषी, जिनका नाम था नारायण दास पालीवाल। नारायण दास पालीवाल साहब के पास में पहुंचे ये तीनों, ये सब के सब मिलकर, और कुल पुरोहित से कहा, महान ज्योतिषी से कहा कि हमारी कुंडलियां देखिए और बताइए हम तीनों में से महाराणा कौन बनेगा आने वाले समय में। तो महान ज्योतिषी नारायण दास पालीवाल साहब ने तीनों की कुंडलियां देखी और कुंडलियां देखकर कहा कि ये तीसरे वाला जो है ना, इसके राजयोग लिखा हुआ है, ये महाराणा बनेगा। क्या गुस्सा आया पृथ्वीराज और जयमल को, इस तीसरे वाले को क्या कूटा, क्या कूटा, क्या मारा, वहीं पे महाराणा बनेगा। ऐसा धोया, पूरी तरह से जख्मी कर दिया। अगर वो कुल पुरोहित नारायण दास पालीवाल बीच में न पड़ते तो मर्डर कर देते उस दिन। नारायण दास पालीवाल ने समझाया पृथ्वीराज और जयमल को कि कुंवरो लड़ो मत, ये ज्योतिष तो कुछ नहीं होता, ये फेंक बातें होती हैं, इस पे विश्वास मत करो। एक काम करते हैं, वो तो ऐसा कहेंगे ही ना, उन्हें पता है कि अपने ज्योतिष के चक्कर में ये कुंवरों को भिड़वा रहा है और रायमल सिंह जी उसे कूट लेंगे। तो ज्योतिषी ने कहा कि एक काम करो कुंवरों, पास में अपने पास में एक गांव है, वहां पे एक बुढ़िया रहती है, एक डोकरी रहती है, चारण जाति की है वो, और बचपन से वह शिव भक्तिनी और अंधी है, उसके पास में जाते हैं, वो जो कहेगी हम मान लेंगे, वो त्रिकालदर्शी है। इसलिए ये तीनों उस डोकरी के घर पे गए, उस बुढ़िया के घर पे गए। बुढ़िया उस घर में नहीं थी, वो कहीं पे गई हुई थी डोकरी बेचारी। तो ये पृथ्वीराज जो है उस डोकरी के जहां पे वो तपस्या करती थी उस स्थान पे जाकर बैठ गया चौड़ा होके, ठीक है। और जयमल ने कहा भैया मैं कहां बैठूं, तो के सामने वो शेर की खाल पड़ी है उस पर बैठ जा, और तू तो खड़ा रहे, तुझे महाराणा बनना ना, खड़ा रहे, यहीं पर खड़ा रहे। वो बेचारी डोकरी घर पे आई, और स्वाभाविक सी बात है अपने घर में कोई घुसा है तो पूछेगी तो सही कि मेरे घर में कौन है। तो सीधा तलवार निकाली पृथ्वीराज ने, नाम पृथ्वीराज है, जल्दी बता हम तीनों में से महाराणा कौन बनेगा। तो उस बुढ़िया ने भी, उस डोकरी ने भी अपने भगवान आराध्य शिव को याद करके, अंधी थी बेचारी, याद करके कहा कि ये तीसरे वाला बनेगा। फिर से पड़े माथे ये दोनों, और इस बार तो ऐसा धोया, ऐसा मारा उस तीसरे को कि पूरी तरह से जख्मी कर दिया, आंख फोड़ दी, हाथ जख्मी कर दिया, पैर जख्मी कर दिया, शरीर पे बहुत सारे घाव दे दिए। अगर नारायण दास पालीवाल बीच में न पड़ता तो मर्डर तय था बेचारे का। और ऐसा भागा वो जैसे बिल्ली के मुंह से चूहा कैसे भागता, वैसे भागा बेचारा अपनी जान बचाकर, और सीधा श्रीनगर पहुंचा। श्रीनगर वर्तमान में अजमेर में है। अजमेर के पास में एक छोटा सा गांव है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, अजमेर के पास में एक गांव है श्रीनगर। उस श्रीनगर गांव में वो बेचारा पहुंचा फटफटाई हालत में। उस श्रीनगर गांव में एक डाकू रहता था, डाकू जिसका नाम था कर्मचंद पंवार। ये कर्मचंद पंवार उस समय का रॉबिनहुड था, गरीबों को भला करना और अमीरों को लूटने का काम था इस कर्मचंद पंवार का। उस डाकू के पास में पहुंचा वो फटफटाई हालत में, तो डाकू ने पूछा कि भाई तू कौन है और इस प्रकार से फटफटाई हालत में कैसे आ गया, और तेरी हालत ये किसने की। तो उसने कहा कि साहब मेरी हालत जो है जंगली जानवरों ने कर रखी है। अब जंगली जानवरों से कम थे के ये, अब तुम्हारा नाम क्या है, तो कि साहब मेरा नाम है तेजकरण। तो कर्मचंद ने उसके शरीर का इलाज करवाया, आंख का इलाज करवाया, हाथ का इलाज करवाया, पैर का इलाज करवाया, क्योंकि पूरी तरह से जख्मी कर दिया था उसे, और अपनी गैंग में शामिल किया, यानी उसे भी डाकू बनाया, साथ में रहने लगे। साथ में तेजकरण, वो आंख फूटी हुई थी, पर्दे वाले काणिये डाकू बन के घूमते थे, लोगों को लूटते थे, अमीरों को लूटते थे, गरीबों का भला करते थे। वक्त बीतता गया और भी वक्त बीता, करीब 8 साल बीते, लगभग 8 साल, 8 वर्ष। 8 वर्ष बीतने के बाद में एक दिन तेजकरण नाम का डाकू, काणिया डाकू, किसी जगह पे डाका डालने गया था, ठीक है, कहीं पे डाका डालने गया था, और डाका डालते डालते एक दिन अपने घर से काफी दूर था,
उसे शाम को श्रीनगर गांव भी पहुंचना था अपने गांव, ठीक है, श्रीनगर गांव भी पहुंचना था उसे। और रास्ते में उसने सोचा कि यार शाम तक घर पहुंचूंगा, तब तक तो रात हो जाएगी क्योंकि शाम ढल चुकी थी। तो उसने सोचा कि थोड़ा सा थका हुआ हूं, थोड़ा सा सुस्ता लेता हूं कहीं पेड़ की छांव देखकर, और रात भर फिर चलना है और फिर श्रीनगर पहुंच जाएंगे। तो एक बरगद का पेड़ देखकर उसकी छांव में सुस्ताने के लिए लेट गया, ठीक है, सुस्ताने के लिए लेट गया। और लेटा तो ऐसे कि पूरी नींद ही वहीं पे आ गई। अब भाई साहब नींद आई और पूरी रात वहीं पड़े रहे। अगला सुबह हुआ, सूर्योदय हुआ, सूर्य की पहली किरण पड़ी और सूर्य की पहली किरण के साथ ही जो है सूर्य के किरणों की रोशनी जो है आंखों में गिर रही थी। तो उस बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा बिल था, बिल, उस बिल में से एक बड़ा सा सांप निकला, कोबरा। और वो कोबरा जो है, सांप जो है, वह तेजकरण डाकू के आंखों के ऊपर फन करके खड़ा था ताकि सूर्य की किरणें जो हैं उसकी आंखों में ना जाएं। 8 साल बीत चुके थे, वही मेवाड़ के कुल पुरोहित नारायण दास पालीवाल इत्तफाक से उधर से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी लेटा हुआ पड़ा है और उसके ऊपर नाग फन करके खड़ा है और सूर्य की किरणें जो हैं उसकी आंखों में गिर ना जाएं इसलिए वो फन करके खड़ा है, ये लक्षण देखें। तो लक्षण देखते ही उसे उठाया उस डाकू को कि भाई तू कौन है और यहां लांबा होके क्यों पड़ा है, कौन है तू? तो कह साहब मेरा नाम है तेजकरण और मैं डाकू हूं, आपने नाम तो सुना होगा उस कर्मचंद पंवार का, उस डाकू के पास मैं रहता हूं। तो कह हां सुना तो है, चल उसके पास में चल। तो तेजकरण को लेकर मेवाड़ के कुल पुरोहित नारायण दास पालीवाल कर्मचंद पंवार के पास पहुंचे क्योंकि 8 साल बीत चुके थे, पहचान नहीं पाए। करमचंद पंवार को नारायण दास पालीवाल ने पूछा कि सच्ची सच्ची बता ये बच्चा कौन है, क्योंकि तू डाकू है, इसको जरूर तूने कहीं से उठाया होगा, ये तेरा बालक नहीं हो सकता, सही बता, मैं मेवाड़ का कुल पुरोहित हूं, तुझे दंडित भी कर सकता हूं। तो नारायण दास पालीवाल ने कहा, तो उस करमचंद पंवार ने उत्तर दिया कि हुकुम, 8 साल से मैं भी उससे पूछ रहा हूं तू है कौन, 8 साल पहले मेरे पास में फटफटाई हालत में आया था, आंख फूटी हुई थी, पैर जख्मी था, हाथ जख्मी था, शरीर पर अनगिनत घाव थे, मैंने इलाज करवाया, 8 साल से मैं भी पूछ रहा हूं तू है कौन, लेकिन मेरे को तो बताता है कि जंगली जानवरों ने मेरी हालत कर रखी है, अब आप ही पूछ लीजिए है कौन। तो नारायण दास पालीवाल ने तेजकरण को कसम दी कि तुझे एकलिंग जी की सौगंध है, आपका राज खोलना पड़ेगा कि आप है कौन। तो उन्होंने कहा कि मैं मेवाड़ का कुंवर संग्राम सिंह हूं, अर्थात राणा सांगा। कैसी रही हीरो की एंट्री? कुछ लोग कह रहे थे ना कि सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस, सर ये है कौन? तो यही है महाराणा सांगा। जब सुना कि मेवाड़ के कुंवर हैं राणा सांगा, कर्मचंद पंवार ने जब ये सुना तो उनकी तो लॉटरी लग गई भाई साहब, सीधा सीधा दौड़े दौड़े गए रायमल सिंह जी के पास में, क्योंकि इनाम मिलेगा, उनके कुंवर को पाल रहे थे इतने सालों तक, वीआईपी बच्चे को पाल रहे थे। जब लेके गए कर्मचंद पंवार संग्राम सिंह को रायमल सिंह जी के पास में, तो रायमल सिंह जी अपने पुत्र को पाकर काफी प्रसन्न हुए क्योंकि उस समय तक ये दोनों दुनिया में नहीं थे। 8 साल में इनके साथ में क्या हुआ था यह भी कहानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। राजस्थान का शेर मुझे कह रहा है सर फास्ट पढ़ाओ, इससे ज्यादा फास्ट तो फिर आप एक काम करो, फिर ट्रेन पे बैठो, गाड़ी पकड़ो और फास्ट कहीं दौड़ो। भाई मेरे, अगर जितना फास्ट पढ़ाओगे ना और जितना शॉर्टकट में पढ़ाओगे ना और जितना आप जल्दबाजी में लोगे ना, उतना ही आपका करियर बर्बाद होगा। आप अपना तो कर ही रहे हैं, दूसरों का मत करिए, सही रहेगा, ठीक है। और दूसरों को भ्रमित मत कीजिए, आपका पढ़ने का मूड नहीं है, टाइम पास करना है तो टाइम पास वाली जगह बहुत सारी हैं, ठीक है। आप आए, हमें बड़ी तहे दिल से खुशी है, ओके। तो साहब
आप अगर शॉर्टकट में पढ़ोगे तो खुद भी डूबोगे और अपना करियर भी डुबाओगे। एनीवेज, तो इस तरह से संग्राम सिंह की एंट्री हुई है। और अब इनका 8 साल में क्या हुआ था, यह भी एक कहानी में ट्विस्ट है। चलिए कहानी में ट्विस्ट डालते हैं, उससे पहले इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आपने साथियों एक जगह का नाम सुना होगा, एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह नगर, जो कि वर्तमान टोंक में है। टोंक में टोडा रायसिंह नाम की जगह है। टोडा रायसिंह टोडा के एक ठाकुर साहब थे जिनका नाम था जसकरण सोढ़ा, जसकरण सोढ़ा टोडा के ठाकुर साहब। तो सोढ़ा साहब से किसी ने टोडा ले लिया था, ठीक है, और सोढ़ा साहब जो है वह टोडा प्राप्त करना चाहते थे, मतलब उनका ठाकुर का पद छीन चुका था, इसलिए सोढ़ा साहब चाहते थे कि उनका टोडा मिल जाए। राइमिंग भी अच्छी बनी है, टोडा साहब चाह रहे सोढ़ा साहब चाह रहे टोडा मिल जाए। तो सोढ़ा साहब की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, जो बहुत ही बड़ी वीरांगना भी थी, सुंदर भी थी, बहुत ही जबरदस्त तारे जैसी थी, नाम भी उसका तारा देवी था। तो सोढ़ा साहब ने शर्त रखी कि जो मुझे टोडा दिलवाएगा उससे मैं अपनी सुंदर और वीरांगना बेटी का विवाह करवाऊंगा। ठीक है साहब, तो यह बात मेवाड़ के कुंवर जयमल साहब को पता चली कि टोडा के एक ठाकुर साहब है क्या थे, जिनके पास ठिकाना नहीं बचा है, उनकी एक सुंदर लड़की है भाई साहब। तो इसी घमंड के मारे जयमल शाह ने टोडा में एक संदेशा भिजवाया कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है, उसके भाग्य खुल गए, मेवाड़ के कुंवर उनसे शादी करेंगे, इसलिए अपनी बेटी को बोलो कि डोली में बैठकर मेवाड़ आए। तो वो डोली वाला वहां डोली लेकर गया और सोढ़ा साहब को कहने लगा कि मेवाड़ के कुंवर साहब अपनी रानी बनाना चाहते हैं आपकी बेटी को, इसलिए डोली में बिठाकर उसे मेवाड़ भेजो। तो सोढ़ा साहब ने कहा कि हुकुम अंदाता जयमल साहब को कहना कि हम बाप बेटी यही तो चाहते थे, इसलिए तो हमने ऐसी शर्त रखी थी, बाप बेटी हम यही चाहते हैं इसलिए हमने ऐसी शर्त रखी थी, आप कुंवर साहब को कहो कि हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत है, बारात लेकर आए ना, धमकी क्यों दे रहे हैं। तो वो डोली वाला बड़ा खुशी खुशी गया वापस चित्तौड़ और जयमल साहब को कहने लगा कि हुकुम आपको बारात लेकर बुलाया है। तो जयमल साहब भी बड़े चौड़े होकर घोड़ी पर बैठकर चले गए। वहां ले जाकर दोनों बाप बेटी ने खोपचे में ले जाके खत्म कर दिया, इसको मार दिया। जब पृथ्वीराज को पता चला कि उनके भाई जयमल को जसकरण सोढ़ा ने मार दिया है, तो एक बहुत बड़ी सेना लेकर पृथ्वीराज सीधा टोड़ा पहुंचे। और आप तो जानते हो कि रफ्तार ही इसकी पहचान है। सीधा पहुंचे और जसकरण सोढ़ा से कहा, आपने मारा मेरे भाई को? तारा बाहर आई और तारा ने कहा, मैंने मारा है। तो पृथ्वीराज ने कहा, आपने मारा मेरे भाई को? विश्वास नहीं होता, इतनी सुंदर भली कन्या कैसे मार सकती है, जरूर मेरे भाई ने कुछ गड़बड़ की। तो तारा ने कहा, पहली वाली बात आपकी गलत है, मारा तो मैंने ही है, दूसरी वाली बात सही है, उसने गलती की। मेरे पिताजी की सीधी शर्त थी कि पिताजी को टोड़ा दिलवा दो और मुझसे ब्याह करके ले जाओ, लेकिन वो जबरदस्ती कर रहे थे, एक नारी सम्मान के खातिर मैं क्या करती कुंवर साहब। तो पृथ्वीराज ने कहा, टोड़ा मैं दिलवाता हूं, टेंशन क्यों लेती है। तो वही सेना जो पृथ्वीराज लेकर गए थे टोड़ा को खत्म करने के लिए, वही सेना इस्तेमाल की उनको टोड़ा दिलवाने में, और तारा से ब्याह करके पृथ्वीराज बड़े ठाट बाट से मेवाड़ आए। जब चित्तौड़ पहुंचे तो पिता रायमल ने घर में घुसने नहीं दिया, क्योंकि पुत्र की हत्यारीन से ब्याह करके आया है, बाहर तंबू गाड़ के रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो बेचारे बाहर ही रहने लगे पृथ्वीराज। अब भाई साहब, रोज तंबू के अंदर बीवी छेड़ती थी, उकसाती थी कि आप तो कह रहे थे ना, बड़ी बड़ी हांक रहे थे कि मेवाड़ में मेरी ये चलती है, मेवाड़ में मेरी वो चलती है, कितनी चलती है मैंने देख ली,
आप तो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, फेंकने में तो माहिर था ही ये। आपने तो ये भी कहा था कि हनीमून भी जाएंगे, उसका क्या? जब पत्नी उकसाती है ना तो पति जल्दी उकसता है, ठीक है। पृथ्वीराज ने कहा देख मैं क्या करता हूं, तो तारा ने कहा दिखाइए आप क्या करते हैं। रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ में मिलकर सारा खजाना लूट लिया, और लूट के 13 बैलगाड़ियां भर के सोने चांदी हीरे जवाहरात के सीधा चले गए अजमेर। अजमेर चले गए साहब, अजमेर चले गए, जहां पे ऑलरेडी उनका भाई रहता था डाकू, उनके हत्ते नहीं चढ़े। क्या लगता है ये तारा अपने घर से क्या ला सकती है? कुछ भी लेके नहीं आई थी, एक सिर्फ पायल की जोड़ी लेके आई थी, एक पायल की जोड़ी, और उस पायल की जोड़ी का घुंघरू अजमेर घाटी में क्या घूम गया? पूरी घाटी में अपने पति को दौड़ाया पृथ्वीराज को कि मेरा घुंघरा ढूंढ, और वो भी सबसे कहता घूम रहा था कि घुंघरो देखियो कहीं, घुंघरो देखियो कहीं। तब से अजमेर घाटी का नाम घुंघरा घाटी पड़ा, जहां आरपीएससी और राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय है, घुंघरा घाटी अजमेर। ये तारा के घुंघरू के कारण नाम पड़ा था उसका। फिर बाद में दोनों मियां बीवी अजमेर किले में चले गए, जो 1113 ईस्वी में अजयमेरु दुर्ग बनवा रखा है, और इसी तारा के नाम पर जो है पूरे किले को मॉडिफाई करवा दिया, जिसे बाद में नाम दिया गया तारागढ़, ठीक है। अब भाई साहब 7-8 दिन बाद में खजाना खत्म हो गया, वापस आ गए चित्तौड़। अब टेंशन ये थी कि तारा ने कहा कि चित्तौड़ तो जाना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कुंवर साहब कि आपने खजाना लूटा है, पिताजी आने देंगे नहीं, इसलिए एक काम करती हूं मैं तो जाती हूं पीहर यानी टोडा, और आप चाहिए चित्तौड़, जब मामला ठंडा पड़ जाए यू कैन कॉल मी, मैसेज कर दीजिएगा। तो पृथ्वीराज आ गए चित्तौड़ और तारा चली गई टोडा, ठीक है साहब। तो पिताजी ने जैसे तैसे करके माफ कर दिया पृथ्वीराज को, क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर लौटे भूला नहीं कहते, क्योंकि आप भी जानते हो ना तो जयमल सा जीवित थे ना संग्राम सिंह वहां मौजूद थे, इसलिए जैसा है अपना ही बेटा है, एक बेटा है, माफ कर दिया। अब माफ तो कर दिया, उसके बाद में तारा को कई बार मैसेज किए पृथ्वीराज ने, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, सीधा ब्लॉक। दिमाग खराब हो गया था पृथ्वीराज का, सारी लड़कियां होती ऐसी है, औरतों से नफरत सी हो चुकी थी अब पृथ्वीराज को। अच्छा, कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, पृथ्वीराज की एक बहन भी थी जिसका नाम था आनंदा। आनंदा, इस आनंदा का विवाह हो रखा था सिरोही राजघराने में, सिरोही राजघराने में देवड़ा शासक जगमाल सिंह देवड़ा से, देवड़ा जगमाल से, जगमाल सिंह देवड़ा से विवाह हो रखा था सिरोही के, ठीक है साहब। अब हो प्रॉब्लम क्या थी कि आनंदा घर पे बैठी हुई थी और आनंदा अपने ससुराल नहीं जा रही थी। अब आप सोचिए कि ब्याही हुई बहना या ब्याही हुई बेटी ससुराल ना जाए अपने घर पे रहे, तो भाई के दिल पे क्या बीतेगी? भाई ने कई बार पृथ्वीराज ने आनंदा से पूछा कि बहना आप घर पे क्यों हैं, लेकिन बहना नहीं बताती थी, क्योंकि बहना को स्पेशली पिताजी ने साफ मना कर रखा था कि बेटा अपनी समस्या तो किसी को भी बता देना, लेकिन इसको मत बताना, क्योंकि ये सही करना तो दूर की बात गलती करेगा। आपको क्या लगता है पृथ्वीराज जैसा आप समझ चुके हो सही कर सकते हैं? लेकिन भाई का जीव है, रहा नहीं गया, भाई ने सीधा एक गुप्तचर भेजा सिरोही में, जाओ पता करो मेरी बहना घर पे क्यों है। वो गुप्तचर पता नहीं सिरोही में गया और जाके क्या जांच करके आया और वापस भिड़ाया पृथ्वीराज को, और पृथ्वीराज सीधा सेना लेकर सिरोही पे चढ़ाई कर गए। रफ्तार ही इनकी पहचान है। जगमाल सिंह देवड़ा थर थर कांपने लगे, क्योंकि एक तो मेवाड़ का कुंवर बहुत बड़ी रियासत, उसके सामने सिरोही एक छोटी सी रियासत, ऊपर से
ये गरम माइंड का खोपड़ी तोड़ देगा। जगमाल सा ने पृथ्वीराज को बिठाया उनके जीजू ने कि कुंवर सा आओ बिराजो। नहीं बता मेरी बहन घर पे क्यों है। अरे कुंवर सा बिराजो तो सही बात कर। नहीं बता मेरी बहन घर पे क्यों। गुस्सा शांति नहीं हो रहा है। अब भाई साहब जब ऐसा माहौल घर में बनता ना तो इंसान गलती पे एक और गलती कर बैठता है। आनंदा की एक नड़द थी नलद, जगमाल की छोटी बहन सुंदर कंवर। उस सुंदर कंवर को जगमाल सा ने फटाफट में कहा कि कुंवर साहब के लिए तू शरबत लिया फटाफट। तो वो दौड़ी दौड़ी गई और शरबत लेकर पहुंची और कुंवर साहब को दे रही थी शरबत सुंदर कंवर, आनंदा की नड़द, जगमाल की बहन। और कुंवर साहब ने सुंदर कंवर की तरफ देखा और देख के पकड़ा उसका हाथ और कहा जगमाल को कि तेरी बहन को ले जा रहा हूं और मेरी बहन को भेज रहा हूं, आगे तू समझ गया ना। जगमाल माथा पीटने लगा कि यार क्या गड़बड़ कर दी मैंने यार। भाई साहब क्या गड़बड़ कर दी मैंने। जगमाल सा ने कहा पृथ्वीराज को कि कुंवर साहब एक बार मेरी बात सुनो। नहीं तेरी बहन को ले जा रहा हूं। अरे बात तो सुनो कुंवर साहब। बोलो क्या है। तो क्या साहब बात यह है कि आपकी बहन को मैंने कहा कि मेरी बहन सुंदर कंवर कुंवर साहब के लिए कैसी रहेगी, वो मना कर रही थी। कहां आपकी बहन और कहां मेरे भाई साहब, और इसलिए तो रूठ के बैठी हुई है। मैं तो चाहता हूं कि आप सुंदर कंवर से फेरे लेकर जाएं, मामला ही खत्म और अपनी बहन को भेजें, समस्या का है। कुंवर साहब ने कहा ऐसा है क्या। तो क्या हां तारा को भूल गए, सुंदर कंवर से फेरे ले लिए पृथ्वीराज ने और फेरे लेकर उसे चित्तौड़ ले आए। साथ में दामाद जी को दाई जी में बहुत कुछ दिया गया, हाथीन घोड़े गधेड़े जो भी देना है वो ठीक है, खाने पीने का सामान। बड़े ठाट बाट से खाते हुए पृथ्वीराज चित्तौड़ पहुंचे और पिताजी रायमल सिंह जी को आकर कहने लगे कि पिताजी बहन का मामला सॉल्व कर दिया, अब आराम से भेजो, कोई समस्या नहीं, अब कोई गड़बड़ नहीं। रायमल सिंह जी ने कहा कि बेटा तू राजनीति नहीं जानता, गड़बड़ कहां है तुझे पता चल जाएगा, अभी तू राजनीति में बहुत कच्चा है। वास्तव में फर्स्ट नाइट जब सुंदर कंवर का घूंघट उठाया सुहाग रात के दिन, सॉरी दिन नहीं वो तो रात ही होती है, सुहाग रात के समय घूंघट उठाया तो सुंदर कंवर की जगह दासी चिपका दी थी। पृथ्वीराज को गुस्सा आया, जगमाल छोड़ूंगा नहीं तुझे, जितने में मुंह से झाग आए और वहीं तड़प तड़प के खत्म, क्योंकि जो खाने का सामान दिया गया था उसमें सब में जहर मिला दिया था पृथ्वीराज के लिए जगमाल ने। इस तरह से पृथ्वीराज जहरीले लड्डू खाकर समाप्त हो गए और जो प्रकृति को मंजूर था, जो घोषणा हुई थी वही सत्य साबित हुई। नेक्स्ट महाराणा बने संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। तो हेडिंग डाल दीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। महाराणा संग्राम सिंह अर्थात राणा सांगा मेवाड़ रियासत के ...1509 से 1528 इनका शासनकाल है। राणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह, सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिखिएगा। हां जी मैं उदयपुर से ही हूं ठीक है, और आपकी रोज क्लास लाइव उदयपुर से लेता हूं, अब इससे बेहतर तो क्या करें आपके लिए। कुछ टाइम पास करने वाले लोग भी आते हैं क्लास में माना, और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बुराई करने वाले भी बहुत होते हैं अच्छाई करने वाले भी बहुत होते हैं। बुराई दो ही कारणों से इंसान की हो सकती है, या तो जरूरत से ज्यादा वो अच्छा हो या जरूरत से ज्यादा बुरा हो, और बुराई वही करता है जिसको अगले वाले को खतरा महसूस होता है उससे ठीक है।
तो आपकी क्लास में अगर कोई आके बुराई करना चाहता है या कर रहा है, या क्लास के बाद में बुराई कर रहा है, इसका मतलब मान के चलिए उसको किसी ने भेजा है जानबूझ के, क्योंकि या फिर वो स्वयं ही आया है क्योंकि उसको स्वयं खतरा महसूस हो रहा है, या फिर वो जिसका एजेंट है उसके उसके मालिक को खतरा महसूस हो रहा है। समझ गए ना? अगर मैं अच्छा हूं तो निश्चित तौर पर उसको खतरा महसूस हो रहा है, और अगर मैं बुरा हूं तो आप सबको बुराई करनी चाहिए मेरी, फिर अकेले को नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो और ब्लॉक मारो, इससे ज्यादा कुछ उनका इलाज हो नहीं सकता। और मैं तो कहता हूं ब्लॉक ही क्यों मारो, मैं तो कहता हूं वो रेगुलर आए क्लास में, और जिन्होंने भेजा है वो खुद ये पछतावा करें कि यार ये तो जहां गया था वहीं का होके रह गया। तो मैं तो चाहता हूं कि आप मेरी क्लास में रोज आए बुराई करने के लिए, और आकर यहीं पे परमानेंट सेट हो जाए कि यार बढ़िया पढ़ा रहा है आदमी। देखिए, महाराणा सांगा के बारे में आप लिखोगे, इनका जो बचपन है, सॉरी इनका जन्म पहले लिख लेते हैं, इनका जन्म है वह हुआ था 1482 को, ठीक है। और इनके माता श्री जो थे वह थी करेमती कंवर, करेमती कंवर जिन्हें श्रृंगार कंवर भी कहा जाता है, कल मैंने बताया भी था आपको। और इनके जो पिता थे उनका नाम था महाराणा रायमल, महाराणा रायमल के तीसरे पुत्र। साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाइए और इस तरह से लिखते जाइए, ठीक है। इनके अगर बात करें इनकी पत्नियों की, तो महाराणा सांगा की जो पत्नियां जो थी उसमें सबसे पहली जो पत्नी थी उनका नाम था धन कंवर, कहीं कहीं पे नाम उनका धीर कंवर भी मिलेगा। और धन कंवर या धीर कंवर के दो संतानें थी, धन कंवर या धीर कंवर के, और वो दो संतानें थी, एक भोजराज जो कि मीराबाई के पति थे, और एक थे रतन सिंह जो कि नेक्स्ट महाराणा बने थे। महाराणा सांगा की दूसरी पत्नी का नाम तो इतिहास नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी तीसरी पत्नी का नाम लिखा हुआ है, जिनका नाम है कर्मावती या कर्णावती हाडी। और कर्मावती या कर्णावती हाडी से बीच में, क्योंकि पुस्तकों में यह लिखा हुआ है कि उनकी पटरानी यानी बड़ी रानी का नाम था धन कंवर, जो उनके साथ सती हो चुकी थी, और उनकी तीसरी रानी और प्रिय रानी जो थी वह थी कर्मावती हाडी। शायद यही नाम आपने पढ़ा होगा किताबों में, धन कंवर का नाम आप शायद नहीं जानते होंगे। तो इसका मतलब तीसरी रानी धन कंवर है, तो दूसरी ऑलरेडी बीच में थी। इस रानी के चार पुत्रियां थी, ओनली पुत्रियां थी, शायद इसी वजह से इनका नाम इतिहास में नहीं हो पाया। और कर्मावती के जो हैं दो संतानें थी, एक विक्रमादित्य और एक थे उदय सिंह, जिन्हें हम उदय सिंह द्वितीय कहते हैं, ठीक है साहब। तो आप एक बार ये आउटलाइन अपने नोटबुक के अंदर बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको वक्त दे देता हूं, ठीक है। सारी लैंग्वेज में लिखने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स बनाते हैं तो हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, न कि लॉन्ग नोट्स। पूरी लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो एग्जाम दोगे वह स्टार्टिंग में जो एग्जाम दोगे वो प्री एग्जाम होगा, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, वहां आपकी कोई कॉपियां चेक करने नहीं आएगा। गुरुजी, पहले राजाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पहले लिंगानुपात ज्यादा था, ऐसा नहीं है साहब। देखो, बहुत सारी चीजें हैं, आप जो ये बोल रहे हो ना जांगिड साहब, तो उसके पीछे कारण ये है कि पहले युद्ध भी बहुत होते थे, तो पुरुष जो है अधिकतर युद्ध में मारे जाते थे, तो स्त्रियां बहुत बच जाती थी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं डिस्कस करना चाहूं तो बहुत सारी चीजें हैं। आप लिख रहे हो जितने में मैं कुछ और बातें बता दूं। आपने एक शब्द सुना होगा जनेऊ, जनेऊ शब्द सुना है? जनेऊ, जनेऊ अक्सर आप लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण लोग धारण करते हैं, ब्राह्मणों का कोई ठेका नहीं है। मैं तो सोचता हूं जनेऊ सबको धारण करनी चाहिए।
हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषि हैं, वो इतने पागल नहीं थे, हाईली टैलेंटेड थे। आपने देखा होगा लघु शंका या दीर्घ शंका करते जाते समय जो है जनेऊ कान में कस के बांधते हैं, है ना, वो इसलिए बांधी जाती हैं ताकि यहाँ के जो एक्यूप्रेशर है उसको दबा रहें और आपका पुरुषत्व और नारीत्व खत्म ना हो। आज टेस्टेड ट्यूब बेबी का जमाना आ चुका है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि हमारा पुरुषत्व तो जो है यूरिन के साथ बहकर निकल जाता है। तो पहले जमाने में राजा जो है जनेऊ धारण करते थे, हर कोई जनेऊ धारण करता था, इसलिए इतनी संतानें हो पाती थी, वो उनकी खुद की होती थी, डोंट वरी, है ना। चलें, लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं या फोटो खींच लिया होगा आपने। चलें आगे बढ़ते हैं। लिखिए महाराणा सांगा की कुछ उपाधियां या उपनाम। महाराणा सांगा को भग्नावशेष कहा जाता है, भग्नावशेष यानी टूटा फूटा हुआ खंडर, एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, एक हाथ जख्मी था, शरीर पर 80 घाव थे, सुना तो होगा, और ये घाव क्यों लगे आपको ये भी पता चल गया होगा। इन्हें खंडुआ वीर भी कहते हैं, खंडुआ वीर यानी खंडित वीर, इसी शब्द का, ये संस्कृत में है और ये मेवाड़ी लैंग्वेज में है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, खंडित वीर या भग्नावशेष। तीसरी इनकी उपाधि है हिंदू पथ, इनको हिंदू पथ यानी हिंदुओं को रास्ता दिखाने वाला क्यों कहते हैं, मैं वक्त आने पर समझा दूंगा जब आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा। इनको हिंदू पादशाह भी कहा जाता है यानी हिंदुओं का बादशाह, तुर्की भाषा में पादशाह शब्द इस्तेमाल होता है, पादशाह, वैसे ओरिजिनल शब्द पादशाह है न कि बादशाह है, ठीक है। और ये इनको क्यों कहा जाता है, किसने कहा था, वो भी आपको वक्त आने पर मैं बता दूंगा, आप चाहते हो तो इसको भी लिख लो, ठीक है, या नोट बना लो इसका। हाँ, सैनिकों का भग्नावशेष, भग्नावशेष एक ही बात है भाई मेरे, थैंक यू सो मच पिस्ताजी ठाकुर। चलिए लिख लीजिए इनका प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक जीवन श्रीनगर गांव कोष्टक अजमेर में डाकू कर्मचंद के संरक्षण में बीता। इनका प्रारंभिक जीवन है वो डाकू कर्मचंद पंवार के संरक्षण में बीता, ठीक है। साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं इनके बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है, और उनकी पत्नी यानी सांगा की भाभी तारा देवी के नाम से अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा। ये बात है 1473-74 के बीच की, तारागढ़ नाम कब पड़ा, 1473-74, इन्हीं तारा देवी के पायल के घुंघरू के कारण अजमेर घाटी का नाम घुघरा घाटी कहलाई। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। और
देखिए, अगर अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाई में और कुछ सीरियस बच्चे हैं तो उनको भी आप इस प्लेटफॉर्म के लिए अच्छे से सुझाव दे सकते हैं। रोज़ आपको स्टेटस भी डालना चाहिए अगर आपको अच्छा लगता है, और शेयर भी करते रहना चाहिए ताकि क्या है और ऑडियंस मिले, क्योंकि फालतू की जहाँ पे टाइम पास होता है वहाँ पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये दुख हमें भी होता है। या तो हम लोग फालतू हैं या फिर वो लोग फालतू हैं, दोनों में से कोई तो एक है। हालांकि सभी टीचर अच्छे ही होते हैं, मैं चाहता हूं कि कोई जो एकदम से घुंघरूबाज आदमी है ना उससे नहीं पढ़ना चाहिए, बाकी ठीक है, अच्छे ही टीचर होते सारे के सारे। सबका अपना अपना पढ़ाने का एक स्टाइल होता है, शैली होती है, जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। देखिए, करीब करीब 1509 ईस्वी में ये मेवाड़ के महाराणा बने। मेवाड़ महाराणा यानी मेवाड़ के शासक बने थे। देखिए, एक बात और ध्यान देना, ये एकमात्र ऐसे महाराणा हैं जिन्होंने अपने पिता के जीवित रहते सिंहासन संभाला था। रायमल सिंह जी की डेथ नहीं हुई थी, रायमल सिंह जी ने इनको अपना योग्य पुत्र समझकर इनके पक्ष में गद्दी त्याग दी थी। ठीक है, साथ ही साथ जब ये मेवाड़ के महाराणा बने थे उस समय मेवाड़ की क्या परिस्थिति थी, थोड़ा सा मैं बोर्ड पे मैप के जरिए आपको समझा देता हूं। देखिए, महाराणा सांगा को लोगों ने पता नहीं किस हिसाब से पढ़ा और कैसे पढ़ा मैं नहीं जानता, लेकिन बड़ा ही शॉर्ट अंदाज से टाइम पास वाले स्टाइल से पढ़ा होगा, इसलिए बहुत कुछ चीजें उनकी छूट चुकी होगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहां पर अखंड भारत का मैप बना रहा हूं। देखिए, महाराणा सांगा जब मेवाड़ के महाराणा बने थे, श्रीनगर गांव से वे जब चित्तौड़ पहुंचे और उनके पिता रायमल ने उनके पक्ष में गद्दी त्याग दी, जब वे मेवाड़ के महाराणा बने तब परिस्थितियां काफी विपरीत थी। सबसे बड़ी समस्या तो है, राजपूत आपस में ही उलझते थे, यानी राजपूतों में आपसी संघर्ष था, और इसी संघर्ष की वजह से जो है वह राजपूत जो है वह कभी भी आपस में एक नहीं हो पाते थे। तो महाराणा सांगा ने सोचा कि अगर राजपूत आपस में इसी तरह से उलझते रहें तो विदेशी ताकतें बढ़ती जाएगी। इसलिए महाराणा सांगा ने सबसे पहला जो काम किया अपने राज्याभिषेक के समय, उस समारोह में सबको आमंत्रित किया। आसपास के जितने भी हिंदू राजा थे उनको सबको उन्होंने चित्तौड़ बुलाया, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में आसपास के जितने भी जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं उनको दिल्ली बुलाया था, वैसे ही महाराणा सांगा ने सारे राजपूतों को चित्तौड़ बुलाया, इनवाइट किया, इनविटेशन भेजा, और सारे राजपूतों को एक ही बात कही महाराणा सांगा ने कि जब इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ मिलती है अपनों से, राणा सांगा ने क्या कहा कि सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं अपने लोग, और अपने लोग शायद तकलीफ देते हैं, आप ये अच्छी तरह से जानते भी होंगे और आपका दिल भी कह रहा होगा कि आपको तकलीफ अपने ही देते हैं। बिल्कुल सत्य है, और राणा सांगा को भी तकलीफ किससे मिली है, अपनों से। राणा सांगा ने यह भी कहा कि अपने तकलीफ इसलिए देते हैं, या तो उन्हें लगता है कि यह हमारा हक छीन लेगा, या फिर वास्तव में हम उनका हक छीन लेते हैं, इसलिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। इसलिए हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि हमें एक यूनिटी बना के चलना चाहिए, हमें साथ रहना चाहिए, और हम जब जब भी आपस में उलझे रहेंगे उस समय विदेशी ताकतें हमारा फायदा उठाएगी। जरा इस मैप के जरिए साथियों देखना, मेवाड़ कितना था। मेवाड़ अगर भारत के नक्शे पर देखा जाए तो उदयपुर, चित्तौड़ और ज्यादा से ज्यादा झालावाड़ तक यहां पे फैला हुआ था, जो शायद मेवाड़ जो है नक्शे पर भी दिखाई ना दे ढंग से। और उस समय विदेशी जो ताकतें थी भारत में, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना, सवाल यहां से भी बनते हैं। उस समय पंजाब और हरियाणा क्षेत्र के अंदर, वर्तमान पंजाब लाहौर क्षेत्र के अंदर,
सुल्तान था दौलत खान लोदी, दिल्ली और आगरा के आसपास जो सुल्तान था वह था सिकंदर लोदी, और बाद में सुल्तान बना उसका बेटा इब्राहिम लोदी। यह वाला सवाल भी एक बार पूछा गया था कि जब महाराणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बने तब दिल्ली के तख्त पर कौन था, तब सब लोगों ने आंसर दिया इब्राहिम लोदी, क्योंकि खातोली का युद्ध दिमाग में है ना। महाराणा सांगा मेवाड़ के महाराणा कब बने हैं? 1509 में। और आप जरा सोचिए कि 1517 ईस्वी में जो है वह इब्राहिम सुल्तान बना है, तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। उस समय बिहार का सुल्तान था महमूद लोदी, महमूद लोदी बिहार का सुल्तान। बंगाल का सुल्तान था, बंगाल का सुल्तान था नुसरत खान जलाली। उस समय मालवा क्षेत्र जिसकी राजधानी थी मांडू, मालवा क्षेत्र का सुल्तान था वह था महमूद खिलजी सेकंड, और वर्तमान गुजरात और ईडर क्षेत्र का सुल्तान था मुजफ्फर खान, और उसका सेनापति महमूद बेगड़ा। इधर बहमनी बीदर क्षेत्र का बीजापुर का सुल्तान था कर्नाटक में, वह था अली आदिल शाह। तो महाराणा सांगा ओवरऑल ये कहना चाह रहे थे साथियों, इसको थोड़ा सा इस मैप को दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि मैंने आपको शुरू से कहा था इतिहास की दो आंखें हैं, डेट और मैप। जो व्यक्ति डेट या मैप नहीं जानता या डेट और मैप के आधार पर नहीं चलता वो निश्चित तौर पर हमेशा दुख देखता है। इसलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कोशिश ये कीजिए कि अपनी नोटबुक के अंदर इसको अलग से लिख लेना कि जहां जहां कौन कौन क्या क्या है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भली मैप ना बने कोई बात नहीं, प्रारंभ में आलू प्याज बनेंगे, बनने दो, कोशिश करो मैप बनाने की, और मैप नहीं बना पाओ कोई बात नहीं, 1-1.5 रुपए का मैप मिलता है, मार्केट से खरीदो और खरीद कर हर चीज मैप से पढ़ो, बड़ा इजी लगेगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस तरह से स्थिति थी। महाराणा सांगा ने सब दिल्ली में चित्तौड़ में सबको इनवाइट किया, आमंत्रित किया, और आमंत्रित करके उन सारे राजाओं को यह कहा कि जब जब भी हम भाई भाई आपस में भिड़े हैं, राजपूत आपस में भिड़े हैं, तो इन विदेशी ताकतों ने भारत भूमि का फायदा उठाया है, इसलिए हम क्यों ना एक बन के रहें और विदेशी ताकतों को भारत से निकालकर बाहर करें, यानी हम उस अखंड भारत की रचना करें। इसलिए महाराणा सांगा को कुछ स्वार्थी राजपूत भी थे, उन्होंने कहा कि दाता हुकुम हमको इसके बदले में क्या मिलेगा, तो राणा सांगा ने कहा कि आपको मिलेगा, मेवाड़ की एक पुरानी परंपरा है कि हम पराए को भी अपना समझकर हिस्सा देते हैं, अर्थात हम इन रियासतों को आपस में मिलकर जीतेंगे और जीत के आपस में बराबर उसे बांट लेंगे, यानी उस रियासतों की पाती करेंगे, हम पराए को भी अपना समझकर हिस्सा देंगे, हम पाती परवण की योजना चलाएंगे, यानी हम सब आपस में मिलकर युद्ध करेंगे और इन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकालेंगे और निकाल कर इनकी रियासतों को आपस में बराबर बांट लेंगे, यानी पाती करेंगे।
तो महाराणा सांगा की इस योजना में 7 राजा 9 राव, कहीं कहीं पे राजा बोला जाता है, कहीं कहीं पे राव बोला जाता है, और 104 छोटे बड़े सरदार जो है इस योजना में शामिल हो गए। ठीक है, और देखते ही देखते महाराणा सांगा के साथ में, सांगा के अतिरिक्त सिरोही के अखेराज दूदा देवड़ा या अखेराज जगमाल देवड़ा जिसे कहते हैं, वो साथ हो गए। राणा सांगा चाहते तो भाई भाई की हत्या के बदले में उनका बदला भी ले सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि भाई की गलती थी। उनके साथ में जो है वह काठियावाड़ के झाला अज्जा और सज्जा शामिल हो गए, उनके साथ में मारवाड़ के राव गंगा शामिल हो गए, बीकानेर के राव जेतसी शामिल हो गए, इनके साथ में आमेर के पृथ्वीराज कछवा शामिल हो गए, इनके साथ में करनाल हरियाणा का ठाकुर सलहदी तंवर शामिल हो गया, इनके साथ में जो है अलवर का शासक हसन का मेवाती शामिल हो गया, इनके साथ में अमरकोट के राणा अरीसाल सोडा शामिल हो गए। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा राजपूताना संगठन आकार ले चुका था। एक बात बताऊं, राणा सांगा ने एक ही तीर से इतने निशाने लगा लिए, इसलिए राणा सांगा को कहा जाता है हिंदू पथ, यानी हिंदुओं को रास्ता दिखाने वाला। यानी पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हिंद स्वराज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? वे थे महाराणा सांगा। लेकिन आज भी हिंदुत्व के सिंबल माने जाते हैं महाराणा प्रताप सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज को, लेकिन वास्तव में हिंद स्वराज की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति राणा सांगा थे। ठीक है साहब, तो आप, मैं फिर कह रहा हूं, इसका अगर बनाना चाहते हो नोट्स तो इसको इस तरह से बना लीजिए और लिख लीजिए, राणा सांगा ने एक योजना चलाई थी जिसे पाती पर्वण की योजना कहते हैं, और इस पाती पर्वण की योजना में 7 राजा 9 राव और 104 सरदार शामिल थे। ठीक है मित्रों, महाराणा सांगा की इस पाती पर्वण की योजना में 7 राजा 9 राव और 104 सरदार शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाराणा सांगा ने पाती पर्वण की योजना चलाई। आपको भी पता है कि अगर पाती पर्वण की योजना चलाई और इतना बड़ा संगठन महाराणा सांगा के साथ में है, तो पड़ोसी रियासतों में खलबली तो मचेगी, मचेगी कि नहीं मचेगी? तो पड़ोसी रियासतें कहीं ना कहीं युद्ध करने के लिए उतारू होगी। तो राणा सांगा के युद्धों में आप देख सकते हो, उन्होंने जो प्रमुख युद्ध लड़े थे, राणा सांगा ने जो प्रमुख युद्ध लड़े थे, उन युद्धों में सबसे पहला युद्ध है, वैसे राणा सांगा को 90 युद्धों का विजेता कहा जाता है, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने उनको इतनी बड़ी तवज्जो नहीं दी। राणा सांगा ने 1517 ईस्वी में खातोली का युद्ध लड़ा। राणा सांगा, अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके भारतीय इतिहास में सबसे फेवरेट राजा कौन है, तो मैं कहूंगा राणा सांगा सबसे फेवरेट है मेरे। खातोली के युद्ध में इन्होंने इब्राहिम खान लोदी के खिलाफ युद्ध किया, ये भी आउटलाइन साथ साथ में बना लीजिएगा। 1518 ईस्वी में इन्होंने बाड़ी का युद्ध लड़ा। बाड़ी के युद्ध में भी इन्होंने इब्राहिम खान लोदी से युद्ध किया। उसके बाद इन्होंने 1519 में गागरोन का दूसरा युद्ध लड़ा। उस गागरोन के दूसरे युद्ध में इन्होंने सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को परास्त किया। उसके बाद में 1520 में इन्होंने ईडर का युद्ध लड़ा। उस ईडर युद्ध में इन्होंने मुजफ्फर खान को परास्त किया।
उसके बाद 1527 में फरवरी महीने में बयाना युद्ध लड़ा, फिर फरवरी 1527 के बाद में मार्च 1527 में इन्होंने खनवा का युद्ध लड़ा, और ये दोनों युद्ध बाबर के खिलाफ थे। आप देख सकते हो इस ये मुख्य युद्ध हैं। इन मुख्य युद्धों में आप अंदाजा लगा लीजिए एक भी ऐसा युद्ध है जो राणा सांगा ने जो है वह किसी हिंदू राजा के खिलाफ लड़ा हो, इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि वे हिंदुस्तान के नागरिकों को अपना नागरिक समझते थे, अपने लोग समझते थे। एक बार इसको भी आप आउटलाइन के तौर पर नोट डाल दीजिए, लिख लीजिए। अच्छा, आपका जन्म भी नहीं हुआ कैसे याद करें? बस इतना सा आपको ये आउटलाइन पता होनी चाहिए, इतना बारीकी से जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी अधूरी कहानी, हमें मुख्यमंत्री बनना है तो कोर्स कितने में मिलेगा, टेक्निकल टीम कृपया ध्यान दे। मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता नहीं चाहिए भाई, ठीक है, एक दो बड़े बड़े कांड कर दो मुख्यमंत्री बन जाओगे। कहां से आते हैं ये लोग, मुझे पता है। ये देखो साथियों, पास होने के दो ही तरीके हैं, या तो दूसरों को पढ़ने मत दो जैसा कि इसमें से कुछ लोग कर रहे हैं, या दूसरों से बेहतर पढ़ाई करो। और ये जो हरकतें कर रहे हैं ना क्लास में, वो लोग वो नहीं है जो वास्तव में पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो इतने बदमाश है कि दूसरों को पढ़ने देना नहीं चाहते हैं, समझ रहे हैं ना। आपको डाइवर्ट करना, ध्यान खींचना ताकि वो आगे निकल जाए, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। आई नो, सब समझ गया मैं, बदमाश है। चलिए, तो होपफुली ये सारा लिख लिया होगा। यहां पे देखिए साथियों, एक आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया। कई बार एग्जाम में सवाल आता है मिलान कीजिए, कई बार सवाल आता है क्रम में सजाइए। तो सबसे पहला युद्ध राणा सांगा का खातोली, उसके बाद बाड़ी, उसके बाद गागरोन, उसके बाद ईडर, फिर बयाना, फिर खानवा। तो ये सिक्वेंस याद रखिएगा, जो ये कुबूल मैडम कह रही है ना कि इतना तो हमें याद कैसे रहेगा, तो बेटा इतना ही याद रखना है, सॉरी बेटा कह दिया, पता नहीं आप कितनी एज के हैं, आई डोंट नो। तो आपको ये सिक्वेंस याद रखना है, समझ गए ना, बाकी कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात यहां पे आपके दिमाग में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो मैं घुसा देता हूं। राणा सांगा ने पाती परवण की योजना चला ली, जिसमें 7 राजा 9 राव और 104 सरदार थे। एक बात बताइए साथियों, क्या इब्राहिम की इतनी औकात कि वह राणा सांगा से अर्थात 7 राजा 9 राव 104 सरदारों से भिड़ेगा? राणा सांगा का ग्रुप देखिए और इब्राहिम की औकात देखिए, नहीं साहब। तो कहानी में ट्विस्ट जरूर है कि खातोली का युद्ध कैसे संभव हो पाया। तो कहानी का असल सत्य समझिए, वैसे इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए। बाकी बयाना और गागरोन, सॉरी बयाना और खानवा के युद्ध की डिटेल्स मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, बाकी आप ये सीधा नोट कर लीजिएगा। ओके, डायरेक्टली तो दरअसल यूं हुआ कि 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी, ये वो सिकंदर लोदी हैं जिन्होंने आगरा शहर को बसाया था। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी को 1517 में उसके बेटे इब्राहिम ने मार दिया, और मारने के बाद में इब्राहिम सुल्तान बन गया। इब्राहिम कोई ताकतवर सुल्तान नहीं था,
उसका राज्य सिर्फ दिल्ली बयाना और आगरा तक सीमित था। सिर्फ राज्य कहां था? दिल्ली, आगरा और बयाना तक। यह राज्य था इब्राहिम का। और इब्राहिम एक कमजोर और अय्यास सुल्तान था। वास्तव में उस ताकत जो थी उसके सेनापतियों में थी। उसके सेनापति थे मियां माखन, मियां फॉर्मुली और मियां भुआ। अब ये होती है अंदर वाली डिटेल जो आपको मैं इतनी बारीकी से नहीं लिखवाऊंगा, समझ गए ना। मियां माखन, मियां भुआ और मियां फॉर्मुली तीन सेनापति थे इब्राहिम के। उन तीनों सेनापतियों ने सोचा कि अगर यह संगठन बना रहा तो एक ना एक दिन हमें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई, इन तीनों सेनापतियों ने। और योजना क्या थी? योजना यह थी कि वे इस संगठन की जड़ पे वार करेंगे। तो जड़ कहां है इस संगठन की? चित्तौड़, यानी मेवाड़ महाराणा सांगा। तो इन तीनों ने क्या किया? एक मौका ढूंढा। इन्होंने मौका ढूंढा श्राद्ध महीने का। और श्राद्ध जो होता है उस समय राजपूत लोग जो है वह युद्ध नहीं करते, और श्राद्ध महीने में अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। तो इन तीनों ने तय किया कि वे श्राद्ध के महीने में दिल्ली से रवाना होकर सीधा चित्तौड़ पर हमला करेंगे। किसने? महमूद के सेनापतियों ने, सॉरी इब्राहिम के सेनापतियों ने तय किया, मियां माखन, मियां फॉर्मुली और मियां भुआ ने। तो ये तीनों निकल पड़े चित्तौड़ की तरफ अभियान करने के लिए। इन्हें पता है कि दूसरे राजपूत राणा सांगा के साथ नहीं आएंगे। तो राणा सांगा ने पहली बार परंपरा तोड़ते हुए अपने देश की रक्षा करने के लिए वे स्वयं सेना लेकर चित्तौड़ से रवाना हुए। और वर्तमान कोटा जिले के अंदर, खातोली कहां है? कोटा में, बूंदी के पास में, कोटा जिले में खातोली नामक स्थान पर राणा सांगा की अकेले की सेना और इब्राहिम के सेनापतियों के बीच में भयंकर भिड़ंत हुई। और उस भिड़ंत के अंदर ये तीनों सेनापति बहुत बुरी तरह से हारे, और हार कर उन्हें भागना पड़ा। और खातोली का युद्ध किसने जीता? राणा सांगा ने जीत लिया। ठीक है, तो राणा सांगा ने खातोली का युद्ध जीता। तो योजना के अनुसार, पाती पर्वण योजना के अनुसार क्या था कि हम जो रियासतें मिलकर जीतेंगे वो आपस में बराबर बांटेंगे। तो ये खातोली का युद्ध किसने लड़ा? सारे राजपूतों ने या अकेले सांगा ने? अकेले सांगा ने। इसलिए कायदे से देखा जाए तो दिल्ली पर, यानी इब्राहिम के राज्य पर कब्जा किसका होना चाहिए? राणा सांगा का। और राणा सांगा ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। राणा सांगा ने जब दिल्ली पर अधिकार किया तो क्या यह बात दूसरे राजपूतों को पछेगी क्या? वो तो यह सोचेंगे कि यार हम भी पाती पर्वण योजना में शामिल थे, राणा सांगा हमें दिल्ली में हिस्सा क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब साफ है कि इस राजपूत संगठन के बनने से पहले ही इनमें फूट पड़ चुकी थी। समझ गए? कुछ इतिहासकार लिखते भी हैं, कुछ इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि जैसे एक इतिहासकार है सर जदुनाथ सरकार, जदुनाथ सरकार साहब ये लिखते हैं कि राणा सांगा एक स्वार्थी महाराणा थे। उन्होंने दिल्ली को हड़पने के लिए दूसरे राजपूतों को बेवकूफ बनाया, उनका इस्तेमाल किया। अब जदुनाथ सरकार साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, कुछ देर बाद में रिप्लाई दूंगा मैं जदुनाथ सरकार साहब को कि वास्तव में महाराणा सांगा स्वार्थी महाराणा थे या नहीं थे। खैर, अच्छा मैं आपसे अगर पूछता हूं कि दिल्ली पर आपका कब्जा हो जाए, आपका अगर दिल्ली पर कब्जा हो जाए तो आप सीधा सीधा क्या कहलाओगे? राष्ट्रपति, है ना। तो उस समय दिल्ली देश की राजधानी थी, एक समृद्ध नगर था, देश का केंद्र था। तो राणा सांगा का दिल्ली पर कब्जा हो गया तो राणा सांगा क्या कहलाएंगे? सम्राट। तो कभी सवाल यह भी बन सकता है कि राणा सांगा कौन से युद्ध के बाद में सम्राट बने? तो आपका आंसर होना चाहिए खातोली। करेक्ट, लिखिए नीचे, नोट डाल के लिख लीजिए, नीचे नोट डाल के लिख लीजिए, राणा सांगा खातोली युद्ध के पश्चात सम्राट बने।
राणा सांगा खातोली युद्ध के पश्चात में सम्राट बने। नीचे एक और लाइन ऐड करना, सांगा का खातोली पर कब्जा, सॉरी सांगा का दिल्ली पर कब्जा, सांगा का दिल्ली पर कब्जा राजपूतों में आपसी फूट का कारण बना। सांगा का दिल्ली पर कब्जा राजपूतों में आपसी फूट का कारण बना, आपसी फूट का कारण बना। सांगा का दिल्ली पर कब्जा राजपूतों में आपसी फूट का कारण बना। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा और बेहतर समझते हैं। देखिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाने जाएं, अब आप अंदाजा लगा लो कि मैप कितना जरूरी है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाना चाहें तो यहां पर एक चीज नोटिस कीजिए कि राणा सांगा ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अगर राणा सांगा दिल्ली पर कब्जा करते हैं और इब्राहिम को दिल्ली छोड़नी पड़ती है, तो आपने तो यह पढ़ा है कि बाबर जब हिंदुस्तान आया तो उसने सबसे पहले दिल्ली को पाने के लिए इब्राहिम लोदी से युद्ध किया, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, तो बाबर को पानीपत के युद्ध में किससे भिड़ना चाहिए था? राणा सांगा से, क्योंकि दिल्ली पर तो राणा सांगा का कब्जा था ना। इसका मतलब साफ है कि नेक्स्ट युद्ध जो हुआ बाड़ी का, जो इब्राहिम लोदी के खिलाफ राणा सांगा ने फिर से लड़ा, उस युद्ध में राणा सांगा हार गए थे। बाड़ी का युद्ध, और बाड़ी वर्तमान में है धौलपुर में। सिर्फ एक ऐसा लेखक है बाबर खुद जो कहता है कि बाड़ी के युद्ध में राणा सांगा जीते थे, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि बाड़ी के युद्ध में राणा सांगा हार गए थे। अब क्यों हारे, इसका कारण समझना। दरअसल दिल्ली पर राणा सांगा ने कब्जा किया, तो दिल्ली पर राणा सांगा ने यदि कब्जा किया है, यह टॉपिक बड़ा पेचीदा है, इसमें पूरे देश की राजनीति देखनी पड़ती है। ठीक है, बाकी क्या है, आप लोकल राजनीति देख के खुश हो जाते हो। अगर राणा सांगा ने दिल्ली पर कब्जा किया है और दूसरे राजपूत ये पचा नहीं पा रहे कि राणा सांगा ने अकेले दिल्ली कैसे ले ली, तो जब बाड़ी पर आक्रमण करेंगे, करेगा इब्राहिम, तब क्या राणा सांगा का दूसरे राजपूत साथ देंगे? नहीं देंगे। और हुआ यूं ही, जब मियां माखन मियां फॉर्मूली मियां भुआ ने आक्रमण किया बाड़ी पर, तो राणा सांगा ने अकेले सेना भेजी और अकेले ही हार गए, और इब्राहिम का फिर से दिल्ली के तख्त पर अधिकार हो चुका था। यानी इब्राहिम पूरी तरह से राणा सांगा से नहीं हारे थे। ठीक है, उसके बाद में राणा सांगा ने नेक्स्ट युद्ध लड़ा, वह था गागरोन का सेकंड युद्ध। देखिए राणा सांगा ने गागरोन का दूसरा युद्ध लड़ा महमूद खिलजी सेकंड के खिलाफ। इस महमूद का एक सेनापति था मेदिनी राय, मेदिनी राय चंदेल, जो राणा सांगा का साथी बन चुका था। ठीक है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, राणा सांगा मैं बता रहा हूं आपको, लिखने की जरूरत नहीं है इतना। राणा सांगा का एक साथी था मेदिनी राय, जो किसका सेनापति था? महमूद खिलजी का। अब सेनापति महमूद का और वो राणा सांगा के ग्रुप में जुड़ जाता है, 7 राजा 9 राव 104 सरदारों में शामिल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं राणा सांगा उस महमूद को तो गुस्सा आएगा, तो महमूद ने उसे सेनापति पद से हटा लिया मेदिनी राय को, और राणा सांगा ने उसे अपनी खुद की जागीर, अपनी खुद की जागीर गागरोण दी। अब बोलो जदुनाथ सरकार साहब की राणा सांगा स्वार्थी थे, इसलिए महमूद ने गुस्सा होकर गागरोण पर हमला किया, और शर्त अनुसार अगर किसी एक पर हमला करेंगे तो सब माथे पड़ेंगे, तो गागरोण के युद्ध में सब ने मिलकर महमूद को परास्त कर दिया, और महमूद की रियासत मालवा को आपस में बराबर बांट लिया। ठीक है,
फिर बात करें ईडर के युद्ध की, तो ईडर का युद्ध मुजफ्फर खान के खिलाफ लड़ा, और ये मुजफ्फर खान जो है वह ईडर गुजरात का सुल्तान था, एक कमजोर सुल्तान था, अय्यास सुल्तान था। और जो मुजफ्फर खान जो है उसका वास्तव में सेनापति था महमूद बेगड़ा, ये वास्तव में महमूद बेगड़ा ही था, बिगड़ा हुआ बिगड़ा। कहते हैं कि ये समोसे खाने का बड़ा शौकीन था, और वो भी मीट के समोसे, मांस के समोसे। गुजराती लोग जानते हैं इसके बारे में, मांस के मीट के समोसे खाने में बड़ा माहिर था। और जब भी सोता था ये महमूद बेगड़ा, तो सोते सोते भी इसको समोसे खाने की आदत थी, कभी भी उठ के इसको समोसे खाने हैं, वो भी मीट के, और वो भी ताजा मीट नहीं, सड़ा हुआ 10-15 दिन पुराना मीट। और समोसे खा खा के फटफट के मरा ये, ठीक है। तो ये महमूद बेगड़ा, इसको हराया था राणा सांगा ने ईडर के युद्ध में, और ईडर पर राणा सांगा ने अधिकार कर लिया। यानी आप देख सकते हैं राणा सांगा ने खातोली का युद्ध जीता, लेकिन बाड़ी में इब्राहिम ने बदला ले लिया। गागरौन का युद्ध राणा सांगा ने जीता पूरी तरह से उनके संगठन ने, ईडर का युद्ध राणा सांगा ने पूरी तरह से जीता उनके संगठन ने। यानी आप देख सकते हो इसमें से रियासत नंबर मालवा और ईडर पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। जब ये दोनों रियासतें जो हैं राणा सांगा और उनके सहयोगियों के अधीन आ चुकी थी, उस समय देश में कितनी रियासतें बची? 1, 2, 3, 4 और 5 रियासतें बची थी। बाबर जो है भारत जब आया था ना, तो स्वयं अपनी पुस्तक तुजू के बाबरी में लिखता है, जिसे बाबर नामा भी कहते हैं, तुजू के बाबरी में खुद बाबर लिखता है, जब मैं भारत आया था तो मेरे सामने 5 मुस्लिम रियासतें थी। कितनी? 5। आपको कितनी दिखाई दे रही है? 1 दौलत खान, दूसरा सिकंदर इब्राहिम लोदी, तीसरा महमूद लोदी, चौथा नुसरत खान, और 5वां अली आदिल शाह। और 2 काफिर रियासतें थी, यानी 2 हिंदू रियासतें थी, ठीक है साहब। तो इस तरह से राणा सांगा ने युद्ध लड़े थे। हालांकि इन युद्धों के अंदर भी बहुत कुछ चीजें हैं, मैं आपको इतना बारीकी से बता के और उलझाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि इससे अगर मैं और डीप में गया तो बहुत सारे लोग उल्टियां भी कर बैठेंगे। और जितना मैंने बताया है उसका 10% भी आप तथाकथित जिसके फैन रह चुके हो ना, उन्होंने भी नहीं बताया होगा, ठीक है भैया। हम तो हिस्ट्री से ही खेलते आए हैं, फिर भी ये समझते हैं हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं। बस ये मानता हूं कि मेरे अंदर इतिहास का ज्ञान है, माना, पर घमंड नहीं है, ठीक है। बस इंसान हूं, तो इंसानों के साथ बने रहिए। अब अपन चलते हैं वापस एक बार मैप की ओर ही। देखिए, अब तक आपने इस इतिहास के अंदर ये देखा कि राणा सांगा ने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया, जिसे हम राजपूत संगठन, पाती पर्वण की योजना वाला संगठन कह सकते हैं। और इस संगठन में 7 राजा, 9 राव और 104 राजपूत सरदार थे। और इसमें से बहुत सारी जो रियासतें थी, जिसमें उन्होंने मालवा और ईडर वाली रियासतें तो जीत ली थी, ठीक है। अब बची कौन सी थी? अब बची थी पंजाब और लाहौर वाली रियासत, दिल्ली वाली रियासत, बिहार वाली रियासत, बंगाल वाली रियासत और बीजापुर वाली रियासत। ये 5 रियासतें बची थी, ठीक। और इसके साथ साथ में दक्षिण में एक और हिंदू रियासत थी, जिसका नाम था विजयनगर, जिसका राजा था चिक्का कृष्ण देव वाटियार, ठीक है। इस तरह से भारत कुछ बन चुका था, और यह था राजपूत संगठन। ठीक है साहब, यहां तक उम्मीद करता हूं साथियों पूरी तरह से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है।
अब हम चलते हैं किसी और बात पे। सर एक मिनट के लिए साथियों थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, कोई अर्जेंसी है। साथियों सब करेंगे, सब होंगे, बस आप है ना शांति से पढ़ते रहो। 60-65 घंटे लगेंगे, मैं सारी हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और ऐसी करवाऊंगा कि आपको लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से होगा, ठीक है। आंदोलन, क्रांतियां, एकीकरण सब करवाएंगे, डोंट वरी। तो मैप से आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा सा यहां पर एक और चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहां पर आप तो जानते होंगे कि ये हमारा प्यारा देश भारत है और इस पड़ोस में एक देवालिया देश है पाकिस्तान, ठीक है। और इसी पड़ोस में पाकिस्तान के उत्तर में एक और देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के उत्तर में एक और देश है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान नाम सुना होगा, ये पहले USSR यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया का पार्ट था। 1989-91 के बीच में अलग हुआ, 15 टुकड़े हुए, पहले मध्य एशिया कहलाता था। इस देश की राजधानी है ताशकंद। जी हाँ, ये वही ताशकंद टॉस्केंट हैं जहां पर हमारे देश के माननीय दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का स्वर्गवास हुआ था, ठीक है। इसी उज्बेकिस्तान के पूर्वी दिशा की ओर एक शहर है जिसका नाम है फरगना और पश्चिमी दिशा की ओर एक शहर है जिसका नाम है समरकंद। फरगना में एक 21 साल का सुल्तान था जिसका नाम था मिर्जा अली शेख, जो कि तैमूर लंग का पांचवा वंशज था। तैमूर लंग एक मंगोल था तैमूर, करीना कपूर का बेटा नहीं, तैमूर लंग। लंग का मतलब है लंगड़ा, ठीक है। तैमूर लंगड़े का एक पांचवा वंशज था जिसका नाम था मिर्जा अली शेख, जो कहां का सुल्तान था, फरगना का सुल्तान था। इस मिर्जा अली शेख की एक
बेगम थी जिसका नाम था निगार बानू। निगार बानू, वैसे बानू नहीं बोला जाता, बानू कुंवारी लड़कियों को बोला जाता है, निगार बेगम बोलना चाहिए, पर बेगम बोलने से मुझे फीलिंग आती है जैसे मेरी हो ना, वैसे मुझे फीलिंग आती है, इसलिए मैं बेगम नहीं बोलता। तो निगार बेगम जो कि चंगेज खान की 14वीं वंशज थी, ठीक है, फरगना के सुल्तान मिर्जा अली शेख और उसकी बेगम निगार बानू। ये चंगेज खान और तैमूर लंग दोनों मंगोलियन थे, दुनिया के सबसे खौफनाक व्यक्ति। चंगेज खान दुनिया का वो व्यक्ति है जिसका सबसे बड़ा साम्राज्य था, पूरा यूरोप पूरा एशिया उसके कब्जे में था, जहां जाता लाशों के ढेर बिछा देता, बिल्कुल बाहुबली में कालकया जैसे दिखने वाले ये लोग, खेतों में जैसे टिड्डियां कैसे घुसती है वैसे घुसते थे। ये तैमूर लंग 1498 से 1414 के बीच में इसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था, पूरा उत्तर भारत खून से नहला दिया था, एक भी घर की ऐसी नाली नहीं थी, एक भी नदी का एक ऐसा पार्ट नहीं था जिसमें इंसानी रक्त ना बहा हो। ये था वो तैमूर लंग। पता नहीं कुछ लोगों को यही नाम सूझा था अपने पुत्र को नाम देने के लिए, समझ से परे हैं कैसे। अब आप सोचिए जिनके खानदान में इतने खौफनाक लोग हो, उनके जॉइंट अकाउंट बेटे कैसे होंगे। इस निगार बानू के एक बालक हुआ था जिसका नाम रखा गया था जहीर। 1483 वैलेंटाइन डे को जन्मा था ये जहीर। वैलेंटाइन डे जहीर जन्मा था, मिर्जा अली शेख की औलाद। जिस दिन जन्मा उस दिन अब्बू बड़े खुश हुए, क्योंकि अब्बू तो जानते हो खुश होंगे, अम्मी भी खुश थी। जिस समय मिर्जा अली शेख फरगना का सुल्तान था, पड़ोसी रियासत समरकंद में उसी मिर्जा अली शेख का सौतेला भाई अली तुर्कमुशान शासन कर रहा था, और उस अली तुर्कमुस्तान यानी समरकंद के सुल्तान और फरगना के सुल्तान के बीच में 36 का आंकड़ा था। इसलिए मिर्जा अली शेख ने सोचा कि बेटे का जन्म हुआ है तो जन्मदिन पर दावत रखी गई घर पे, और उस दावत में समरकंद के सुल्तान अर्थात अपने सौतेले भाई को इनवाइट किया मिर्जा अली शेख ने। लेकिन सौतेले भाई अली तुर्कमुस्तान ने खाने में जहर मिला दिया, और जिस दिन जहीर जन्मा था उसी दिन मिर्जा अली शेख का इंतकाल हो गया, उसकी मौत हो गई। अब्बू के प्यार में अम्मी ने भी 4-5 और दिन निकाले, अम्मी भी अल्लाह के पास चली गई। जहीर बन चुका था अनाथ, लोग कहते थे मनुस हैं, आते ही अब्बू और अम्मी को खा गया। जहीर अपनी पुस्तक में लिखता है कि मात्र वो 7 साल का था तब फरगना का सुल्तान बना था, और उसे लगता था कि अल्लाह पाक ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। फिर करीब 12 साल का हुआ तब उसे यकीन हुआ कि अल्लाह ने मजाक नहीं किया, मजाक किया है मेरे इस चचा जान ने, इस चचा को मैं छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह, इसलिए मैंने फरगना से निकलकर समरकंद पर हमला किया, तो चाचा ने फरगना पर हमला कर दिया, और फरगना ले लिया चाचा ने और मैंने ले लिया समरकंद। 15 साल की एज थी, मेरे से रहा नहीं गया, इसको चचा को मैं छोड़ूंगा नहीं, समरकंद से सेना लेकर मैंने फरगना पर हमला किया, तो चाचा ने समरकंद पर कर लिया। इस बार समरकंद चाचा के कब्जे में, फरगना मेरे कब्जे में। 17 साल की एज थी, फिर से रहा नहीं गया, इस चचा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मैंने फरगना से सेना लेकर समरकंद पर हमला किया, लेकिन चाचा ने आधी सेना समरकंद में छोड़ के आधी सेना समेत फरगना पर हमला कर दिया, और मैं बन गया ठुल्लू, ना इधर का ना उधर का। मेरे हाथ से दोनों रियासतें निकल गई, और मैं फरगना से अपनी जान बचाकर भागा, और भागकर सीधा काबुल आया, काबुल अफगानिस्तान में। वहां से जब भागा तो मेरा साथ कोई नहीं दे रहा था, मुझे लग रहा था कि अल्लाह पाक मेरे साथ में फिर से बहुत बड़ा घिनौना मजाक कर रहा है। काबुल वर्तमान अफगानिस्तान में, काबुल के पास में एक जगह है बाजोर,
काबुल के उत्तर में एक जगह है बाजोर। बाजोर के पास में एक किला था भेरा नाम का किला, भेरा दुर्ग। उस भेरा दुर्ग में अकूत दौलत थी, बहुत बड़ा खजाना था, क्योंकि यहां के कबायली लोग जो हैं, वर्तमान में जो तालिबानी लोग हैं, वो लोगों को लूट कर वहां पर धन इकट्ठा करते थे। तो मुझे लगता था कि ये अकूत दौलत मुझे मिल जाए और भेरा किले को मैं कब्जे में कर लूं, फिर इसी दौलत से मैं समरकंद और फरगना पर हमला करूंगा और उस चचा जान को छोड़ूंगा नहीं मैं। तो मैंने भेरा किले को जो है बारूद से उड़ाया, और उड़ाया तब सारे यहां के कबायली अपना माल छोड़कर भाग गए और वो अकूत दौलत मुझे मिल गई। और इसी बाजोर वाले क्षेत्र को 1519 ईस्वी में मैंने जीता, और जीत कर मैंने स्वयं अपना नाम रखा मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। यही वो बाबर है। तो कैसी रही विलेन की एंट्री, क्या लगता है राणा सांगा हीरो खतरनाक है या बाबर, कमेंट में जरूर लिखना। मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बाजोर में, सवाल कांस्टेबल में आ चुका है। आप जो सॉटरी के पता नहीं कहां कहां से सस्ती वाली याद करते ना, पानी पिया खाना खाया घर गया ने लेट गया ने मर गया, पानी पत्ने खानवा ने पता नहीं फलाने ढिमके चंदेरी ने क्या क्या। एक बात बताऊं, बाबर का पहला युद्ध बाजोर है न कि पानीपत, क्योंकि उस समय भारत कहां था, अफगानिस्तान तक। और सवाल कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था, बाबर ने पहला युद्ध कहां लड़ा, सबने पानीपत, वही पानीपत लाडू लेके आए, बाजोर अफगानिस्तान। पहली बार बारूद का प्रयोग इसी बाबर ने बाजोर के भेरा किले पर किया था, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान वहां था। समझ में आई बात। जब बाबर बाजोर में था तब उसे तीन लोगों ने इनवाइट किया, ऐसा वो स्वयं अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी में लिखता है। तुजुक ए बाबरी, बाबर की कौन सी पुस्तक है, तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबर नामा भी कहते हैं, बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी। लेखक हैं बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मंगोलों का वंशज, और इन्हीं मंगोलों को भारत में मुंगोल कहा गया, और यही मुंगोल भारत में धीरे धीरे मुगल कहलाए। चगतोई शाखा तरमासरीन के वंशज थे ये, चगतोई तुर्क कहते हैं इन्हें। तुजुक ए बाबरी, मैंने कहा था ए का मतलब होता है का या की, और तुजुक का मतलब होता है यादे, बाबरी की यादे। अब ये बाबरी कौन थी, कुछ तो थी, थी या था या दोनों की मिक्स बाद में बताऊंगा। ये न तो था न थी, दोनों का मिक्स था। इसकी यादों में खोया रहता था और हमेशा पैग पे पैग लगाया करता था, बाबर बाबर। वन सेकेंड, एक बात और कहनी है यहां पर। जब बाबर काबुल में था, अफगानिस्तान में था, बाजोर जीत चुका था, तब वह अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी यानी बाबरी की यादों में लिखता है कि मुझे तीन लोगों ने इनवाइट किया था, तीन मुझे आमंत्रित किया गया था। पहला आदम खान लोदी, कहां का सुल्तान है मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, और नहीं बताया होता उस समय कहानी में ट्विस्ट आता अकस्मात से तो कैसा लगता, बिहार का सुल्तान। दूसरा दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी कहां का सुल्तान है, पंजाब का, पंजाब लाहौर का सुल्तान। और तीसरे हैं राणा सांगा, मेवाड़ के महाराणा। ऐसा कौन कहता है कि मुझे इनवाइट किया गया था, ऐसा स्वयं बाबर कहता है।
कि मुझे तीन लोगों ने भारत आने को आमंत्रित किया, इसलिए मैं भारत आया। एक सेकंड के लिए सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के सोचिए। आदम खान लोदी का समझ में आता है, दौलत खान लोदी का समझ में आता है कि बाबर को उन्होंने इनवाइट किया था क्योंकि ये अफगानी पठान थे, अफगानी मुसलमान थे, अफगानिस्तान के थे, क्योंकि इनको पता है कि अगर इसको इनवाइट नहीं किया गया तो नेक्स्ट राजपूत हमें निशाना बनाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। ये मंगोलों का वंशज है, तैमूर और चंगेज खान का वंशज, तो तैमूर और चंगेज की तरह आएगा, लूटपाट करेगा और वापस अपने देश लौट जाएगा इंशाल्लाह, और उसके बाद में यहां की हुकूमत हम संभालेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, 21 अप्रैल 1526 को बाबर हिंदुस्तान आया, पानीपत में गया नहीं। लेकिन यार, राणा सांगा का काहे समझ में आता है, कैसे समझ आता है प्यारे मित्रों, कैसे समझ में आएगा? राणा सांगा तो खुद राज मुसलमानों के खिलाफ थे, हिंदू पथ थे, और बाबर है कौन सी इतनी बड़ी तोप जो उसे इनवाइट करेंगे? राणा सांगा के साथ में 7 राजा 9 राव 104 सरदारों की सेना है, अगर 2000 भी काउंट करें तो कम से कम 1 लाख से कम सेना नहीं थी। ये सारे के सारे राजपूत फूंक मारते तो सीधा फरगना में बैठता वो, है क्या चीज वो जो उसे इनवाइट करेंगे? यानी बाबर झूठ बोल रहा है। अपनी पुस्तक में इंसान कुछ भी लिख सकता है, वैसे भी बाबर की बात पर इतिहासकार यकीन नहीं रखते, समझ गए? तो थोड़ा सा बाबर का परिचय लिख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग आपका रहेगा मुगल राजपूत संघर्ष या बाबर राणा सांगा का संघर्ष, जिसमें आप लिखेंगे बाबर का परिचय, बाबर के बारे में जानना चाहिए आपको। लिखिएगा प्यारे मित्रों, बाबर का जन्म 1483 फरगना कोस्टक उज्बेकिस्तान में हुआ, 1483 फरगना कोस्टक उज्बेकिस्तान में हुआ, जिसे पहले मध्य एशिया कहा जाता था, जिसे पहले मध्य एशिया कहा जाता था। नेक्स्ट लाइन, बाबर के अब्बू, अरे भाई किताबें पढ़ लो, किसी की गाइड बुक पढ़ोगे तो मनगढ़ंत ही लगेगा ना। कुछ भेजे हुए भेदिए तो है, ये तो बात तय है क्लास में, चलो कोई नहीं, होने भी चाहिए, नजर ना लगे, टीका एक काला तो होना ही चाहिए ऊपर। किताबें पढ़ लो, गाइड बुक में नहीं मिलेगी ये सारी चीजें। बाबर के अब्बू यानी पिता अली मिर्जा अली शेख कोष्टक में लिखला तैमूर लंग का 5वां वंशज, तैमूर लंग का 5वां वंशज, मिर्जा अली शेख तैमूर लंग का 5वां वंशज। नेक्स्ट, अम्मी यानी कि मां, निगार बानो कोष्टक में लिख लो चंगेज खान की 14वीं वंशज, चंगेज खान की 14वीं वंशज। चंगेज खान की 14वीं वंशज। लिखिए, मंगोल शब्द से मुगल बना है,
मंगोल शब्द से मुगल बना है? बाबर चगतोई, चगतोई, चगतोई तुर्क सुन्नी मुसलमान था? चगतोई तुर्क सुन्नी मुसलमान था, मतलब इसका गोत्र था चगतोई, तुर्क सुन्नी मुसलमान था, चगतोई तुर्क सुन्नी मुसलमान। पैराग्राफ चेंज। 1519 बाजोर युद्ध, 1519 बाजोर युद्ध, 1519 बाजोर युद्ध लिखो सामने। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास भेरा दुर्ग को उड़ाया, भेरा दुर्ग को, भेरा किले को बारूद से उड़ाया, बारूद से उड़ाया। देखिए ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व में पहली बार बारूद का प्रयोग यहीं पर बाबर ने किया था। भेरा किले को बारूद से उड़ाया, ठीक है। एक पुस्तक का नाम लिखना है आपको साथ साथ में, तुजुक ए बाबरी ऑब्लिक बाबर नामा, लेखक बाबर स्वयं, तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा, लेखक बाबर खुद। के अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार, पुस्तक के अनुसार तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा पुस्तक के अनुसार आदम खान लोधी कोष्टक बिहार, दौलत खान लोधी कोष्टक पंजाब और राणा सांगा कोष्टक मेवाड़। दौलत खान लोधी पंजाब, आदम खान लोधी बिहार और राणा सांगा मेवाड़ ने उसे आमंत्रित किया, उसे इनवाइट किया। किसको? बाबर को आमंत्रित किया। ठीक है, इसलिए वो भारत आता है। अच्छा, अब मित्रों यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैप के जरिए। बाबर अगर भारत आता है, और आप तो जानते हो कि बाबर ने भारत में एंट्री करने के बाद में सबसे पहला युद्ध कौन सा लड़ा? पानीपत का। तो पानीपत के युद्ध में वो इब्राहिम को हराता है, है ना? वह इब्राहिम लोदी को हराता है 21 अप्रैल 1526 पानीपत के पहले युद्ध में, और इसी युद्ध क्षेत्र में इब्राहिम मारा जाता है। तो अगर इब्राहिम मारा जाएगा तो उसकी रियासत पर किसका कब्जा होगा? बाबर का। देखिए बाबर ने वैसे भी तुजुके बाबरी या बाबरनामा में लिखा है कि जब मैं हिंदुस्तान आया तो मेरे सामने 5 मुस्लिम रियासतें थी, पंजाब लाहौर का दौलत खान लोदी, बिहार का आदम खान लोदी, बंगाल का नुसरत खान जलाली और जो बीजापुर का सुल्तान है अली आदिल शाह, और इसके अलावा इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली, बयाना और आगरा का सुल्तान, ठीक है।
और दो काफिर राज्य थे, दो काफिर यानी गैर मुस्लिम रियासतें थी, एक तो राजपूत संगठन और दूसरा विजयनगर साम्राज्य, ऐसा बाबर ने तुज़ुके बाबरी में खुद लिखा है। ठीक है, जब वो हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान आकर उसने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम को मार दिया, तो इब्राहिम के राज्य पर बाबर का कब्जा हो गया। और इब्राहिम का राज्य कहां कहां था? दिल्ली, आगरा और बयाना पर। इब्राहिम का राज्य कहां था? दिल्ली, आगरा और बयाना पर। अगर दिल्ली, आगरा और बयाना पर इब्राहिम का कब्जा है, तो जरा यहां देखिए, राणा सांगा ने बयाना का युद्ध लड़ा है बाबर के खिलाफ। थोड़ा दिमाग पे जोर डालना, राणा सांगा ने बयाना का युद्ध लड़ा है बाबर के खिलाफ। इब्राहिम को मारकर बाबर ने किस पर कब्जा किया? दिल्ली, आगरा और बयाना पर। इब्राहिम को मारकर बाबर ने किस पर कब्जा किया है? दिल्ली, आगरा और बयाना पर। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ पहला युद्ध कौन सा लड़ा है? बयाना का। यानी युद्ध की शुरुआत किसकी ओर से हो रही है? बाबर की ओर से, अर्थात मुगलों की ओर से हो रही है या राजपूतों की ओर से हो रही है? राजपूतों की ओर से। अब इससे भी साबित हो जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित नहीं किया था, बाबर झूठ बोल रहा है, वह बहुत पीता था तो नशे नशे में उसने लिख लिया होगा, और वैसे भी बाबरी की यादों में खोया रहता था। समझ गए? तो देखिए, बयाना पर आक्रमण किया राणा सांगा ने। बयाना जो युद्ध लड़ा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ना एग्जाम में कि राणा सांगा और बाबर के मध्य सबसे पहला कौन सा युद्ध हुआ था, तो खानवा उत्तर मत देना। क्या लिखोगे? बयाना। बयाना फरवरी 1527 को। देखिए, एक बात यहां पर मैं और शोधात्मक रूप से कह रहा हूं, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा साथियों मित्रों। एक बात पे विशेष तौर से ध्यान देना, मेवाड़ की एक परंपरा है, एक परंपरागत युद्ध लड़ता है मेवाड़, और उसको कहते हैं माछा तोड़ युद्ध। माछा तोड़ युद्ध एक मेवाड़ का परंपरागत युद्ध है, माछा तोड़ युद्ध, जिसे खटिया तोड़ युद्ध कहते हैं। खटिया, माछा, चारपाई। राजपूत दूसरे को डराने के लिए क्या करते हैं, स्पेशली मेवाड़ी, किसी भी इमारत के चारों तरफ खटिया डाल के सो जाते हैं। एक बंदा उठता है, 10 को बाहों में मरोड़ मरोड़ के मारता है। ऐसे माछा तोड़ युद्ध मेवाड़ में कुल 14 युद्ध हुए हैं, टोटल 14। और सबसे पहला माछा तोड़ युद्ध हुआ था बयाना में। राजपूतों ने क्या किया, करीब 80-90 राजपूतों ने बयाना किले को घेर लिया, खटिया डाल के सो गए, और तुर्कों को बाहर ही नहीं निकलने दिया, मुगलों को बाहर ही नहीं निकलने दिया, बाहों में मरोड़ मरोड़ के मारा। और इस बयाना को जीतने में लगभग 1 महीना समय गंवा दिया। अगर ये सारे राजपूत चाहते तो बयाना को मात्र चंद मिनटों में जीत सकते थे, लेकिन जानबूझ के 1 महीना समय गंवाया। और मुगल, बाबर को भी पता है, बाबर को भी पता है कि अगर उसे हिंदुस्तान पे कब्जा करना है, हिंदुस्तान उसे जीतना है, तो कहीं ना कहीं उसे राजपूत संगठन को परास्त करना ही पड़ेगा। इसलिए इस 1 महीने के दौरान बाबर ने बयाना की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने बड़े युद्ध की तैयारियों में अपना समय बिताया। ठीक है, यानी राजपूत यहां बयाना में टाइम पास कर रहे थे 1 महीने तक, और उसी समय को बाबर जो है युद्ध की तैयारियों में बिता रहा था। कौन से युद्ध की तैयारियों में? खानवा युद्ध की तैयारियों में। और यही
एक महीने का जो अंतर है वह कहीं ना कहीं खानवा युद्ध में हार की सबसे बड़ी वजह बनता है। तो हमारा जो नेक्स्ट युद्ध रहेगा वह रहेगा खानवा युद्ध। उससे पहले बयाना के बारे में लिख लीजिएगा, बाबर और सांगा के मध्य बाबर और सांगा के मध्य सबसे पहला युद्ध बयाना युद्ध हुआ था, जो मेवाड़ का एक परंपरागत युद्ध माछा तोड़ युद्ध था। ऐसा युद्ध एक बार जगदीश मंदिर में भी किया था, मात्र 20 सरदारों ने जगदीश मंदिर में औरंगजेब की सेना को घुसने तक नहीं दिया था। कभी आओ जगदीश मंदिर तो वहां शिलालेख पे लिखा हुआ है, किताबों में थोड़ी मिलेगा लाले ऐसी चीजें, ये शोध के विषय हैं। दो चार गाइड बुक क्या रट ली, फिर विद्वान कहलाने वाले और फिर उसके क्या बोले, अब छोड़ो मैं सबसे छोटा आदमी हूं, बस खुश। एक महीने का समय गवाया इस युद्ध में, इतिहासकारों के अनुसार यह सबसे भारी भूल थी। सबसे भारी बेवकूफी थी, मिस्टेक थी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खानवा युद्ध, जो कि होगा 1527 मार्च महीने में। एग्जैक्ट इसकी डेट है 17 मार्च। तो खानवा का युद्ध हम लाइव देखेंगे। ऐसा लगेगा, अब तक आपको इतिहास पढ़ते समय लगा होगा कि वास्तव में हमारी आंखों के सामने तैर रहा है, वैसे ही आपकी आंखों के सामने खानवा का लाइव तैरेगा, जैसे आप स्वयं युद्ध में मौजूद हैं। इसको हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर। लेकिन जाने से पहले फिर कहूँगा, लाइक शेयर कमेंट आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको सही लगता है लाइक करें, नहीं लगता अनलाइक करें, ठीक है, लेकिन करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए अच्छे इंसानों को। चलिए बाय बाय, टेक केयर।